हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम फिर से छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का वीडियो नंबर 6 को देखेंगे। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 5 वीडियो जो है अपलोड कर दिया है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा 2023 की दृष्टि से। तो अगर अभी तक आपने वो सारे 1 से लेकर 5 तक का वीडियो नहीं देखा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जाके पहले उन सारे वीडियोस को देखें, इसके बाद 6वां वीडियोस को देखें, क्योंकि वो सारे वीडियो जो हैं कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस में बनाया गया है, ताकि आपको बेसिक से लेके हाई तक के जो क्वेश्चंस होंगे, इजी टू हाई, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके दोस्त भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। और वीडियो का अगर पीडीएफ आप सभी को चाहिए होगा तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी, वहाँ पर आप जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आज का क्या है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उचित रूप से परिभाषित नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप इस अधिनियम, मतलब जो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 है, उसका अगर अध्याय 1 का धारा संख्या अगर 2 देखेंगे, ठीक है, धारा 2 है, तो धारा 2 में विभिन्न तरह के जो जो शब्द हैं जो कि इस अधिनियम में प्रयोग किए गए हैं, उन शब्दों की परिभाषा दी गई है। तो उसी में से जो धारा संख्या 2 है, उसी में से कुछ परिभाषाओं को मैंने यहाँ पे रखा है। जैसे केंद्रीय सोसाइटी क्या है, विकास बैंक क्या होता है, समापक क्या होता है, या विपणन सोसाइटी क्या होता है। यहाँ पे 4 परिभाषाओं को लिखा है, जिसमें से एक जो है उचित रूप से परिभाषित नहीं है, तो उस विकल्प का ही आपको चयन करना है जो सही तरीके से परिभाषित नहीं है। पहला है केंद्रीय सोसाइटी। देखिए, पूरा तो मैंने नहीं लिखा है, लेकिन उसको शॉर्ट में लिखा हूँ। केंद्रीय सोसाइटी जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, क्या उसी को केंद्रीय सोसाइटी कहते हैं। विकास बैंक, ऐसा बैंक जो किसानों और गरीबी रेखा के नीचे निवासरत लोगों को निःशुल्क ऋण प्रदान करता है। सी है धारा 70 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति को समापक कहते हैं। और चौथा विकल्प है विपणन सोसाइटी, मतलब ऐसा सोसाइटी जो कृषि या अन्य उपज का विपणन करने के प्रयोजन के लिए बनाई गई है। तो कौन सा ऐसा विकल्प है जो सही तरीके से परिभाषित नहीं है। तो अगर इस विकल्प को, चारों विकल्प को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही तरीके से परिभाषित नहीं है। विकास बैंक क्या होता है, ऐसा परिभाषा इस अधिनियम में ऐसा कोई परिभाषा नहीं है कि ऐसा बैंक जो किसानों और गरीबी रेखा के नीचे निवासरत लोगों के निःशुल्क ऋण प्रदान करे, उसको हम विकास बैंक कहते हैं, ऐसा परिभाषा नहीं है। हालांकि जबकि विकास बैंक ऐसा बैंक है जो किसानों और ग्रामीण, सॉरी, ये तो पूरा परिभाषा पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, विकास बैंक ऐसा बैंक है, या फिर कह लीजिए कि ऐसा जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, अथवा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जो इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत है, उन सारे बैंकों को हम क्या कहते हैं, विकास बैंक के रूप में जाना जाता है, या विकास बैंक के कैटेगरी में रखते हैं। तो अगर आप धारा संख्या 2 जाएंगे तो उसमें आपको विकास बैंक का परिभाषा सही तरीके से मिल जाएगा। तो ये जो विकल्प है ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही तरीके से परिभाषित नहीं है। केंद्रीय सोसाइटी क्या होता है, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, या फिर कह लीजिए अन्य सोसाइटी जिसका उद्देश्य क्या होता है, ये परिभाषा पूरी तरीके से नहीं है, आधा ही लिखा गया है, लेकिन इसके आगे ये होता है कि जिला सहकारी कृषि या फिर ग्रामीण विकास बैंक, जो इसके अंतर्गत और जितने भी सोसाइटी इसके अंतर्गत सदस्य सोसाइटी के रूप में हैं, उनके उद्देश्यों को संप्रवर्तित करना है, उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्रीय सोसाइटी होते हैं। सिंपल सी बात है, केंद्रीय सोसाइटी के अंतर्गत जितने भी, क्या बोलते हैं, और भी सदस्य सोसाइटी है, उनके जो लक्ष्य हैं, जो उनके उद्देश्य हैं, उनको पूरा करने के लिए केंद्रीय सोसाइटी बनाया जाता है। समापक के बारे में पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि जो इस अधिनियम का धारा है उसमें समापक के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें क्या होता है, रजिस्ट्रार जो होता है एक व्यक्ति को समापक के रूप में नियुक्त करता है। जब किसी भी सोसाइटी का परिसमापन किया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए या तो रजिस्ट्रार खुद परिसमापन करता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति नियुक्त करता है जो परिसमापन की प्रक्रिया को पूर्ण करता है, तो उसे ही हम समापक कहते हैं। और ये जो विपणन सोसाइटी का परिभाषा बिल्कुल सही है, एक ऐसी सोसाइटी जो कृषि और जितने भी तरह के उपज
होते हैं उनको बेचने के लिए, उनका विपणन करने के लिए, व्यापार करने के प्रयोजन के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी। चलिए सेकंड प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि यदि कोई बोर्ड या उसका कोई अधिकारी या कोई सदस्य जानबूझकर मिथ्या रिपोर्ट करता है या जानकारी देता है या फिर लेखे रखने में बेईमानी से चूक करता है तो इस अपराध के लिए उसे उसके प्रति क्या कार्यवाही होगा। देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इस जो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की अगर आप धारा संख्या 74 देखेंगे, ठीक है, धारा संख्या 74 देखेंगे तो उस धारा संख्या 74 में विभिन्न प्रकार के अपराधों का वर्णन है। ठीक है, याद रखिए क्या कि जो 74 जो है उसमें विभिन्न प्रकार के अपराधों का वर्णन है। वहीं जो धारा 75 है, दोनों को मैं एक साथ रिलेट करके बता रहा हूँ, 74 में क्या है अपराधों का वर्णन है, वहीं जो धारा संख्या 75 है उसमें उन अपराधों के लिए अगर अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसके शास्तियों का वर्णन किया गया है। किस चीज़ का? अपराध के शास्तियों का वर्णन किया गया है। शास्तियों का मतलब क्या होगा? जो पेनल्टीज लिया जाएगा उनसे, कि तो उसका वर्णन किस में है? 75 के अंतर्गत वर्णन किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से इसको समझिएगा कि मैं अब क्या बताने वाला हूँ। जैसे कोई बोर्ड है, कोई सहकारी सोसाइटी है, उसका कोई बोर्ड है या कोई उसका अधिकारी है या फिर कोई सदस्य है, अगर मान लो कोई जानबूझकर एक गलत रिपोर्ट करता है या फिर गलत जानकारी देता है या फिर जो अकाउंट्स या फिर जो ऑडिट्स वगैरह रखे जाते हैं उसमें कोई बेईमानी करता है, चूक करता है, तो उसके लिए भी उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। तो क्या किया जाएगा? तो हमने बताया कि धारा संख्या जो 74 है उसमें अपराधों का वर्णन किया गया है। तो धारा संख्या 74 के 74 क से, ठीक है, 74 क से लेके 74 ठ तक, ठीक है, यहाँ तक जाएंगे तो आपको अलग अलग प्रकार के अपराधों की बात किया गया है। ठीक है, वहीं ये क से लेके ठ तक के जो अपराध हैं उनके लिए धारा संख्या 75 में पेनल्टीज की बात की गई, शास्तियों की बात की गई, तो उसके लिए 75 क से लेके 75 ठ तक है, किसके लिए? अपराधों के लिए जो कार्यवाही होगा, जो जुर्माना दिए जाएंगे, जो पेनल्टीज होंगे उसकी बात किया गया है। जैसे 74 क में जो अपराध होगा उसके लिए 75 क में जुर्माना की बात किया जाएगा, 74 ख में जो अपराध होगा उसका जुर्माना की बात 75 ख में किया जाएगा, एंड वाइस वर्सा। तो ऐसे ही आप देखते चलेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मान लो कोई बोर्ड का सदस्य हो, कोई बोर्ड है, कोई अधिकारी है, अगर कोई गलत रिपोर्ट देता है या जानकारी देता है तो उसके लिए 50,000 जुर्माना कितना होगा? 50,000 से अधिक नहीं होगा। ठीक है, बाकी कितना, बाकी जितना भी जो है डिसाइड किया जाएगा कि कितना देना है वो चलेगा, परंतु जो जुर्माना होगा 50,000 से अधिक तक नहीं होगा। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर है इतना? लेकिन ये 25,000 बी ऑप्शन देख लीजिए, सी और डी, तो इस प्रकार का कोई वहाँ पे नहीं है। 50,000 कब करना है तो उसके लिए ये तरीका है, और बाकी जितने भी तरह के अपराध हो उसके लिए शास्तियाँ हैं, तो आप जाके 74 और 75 जो धारा क्रमांक है उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। देखिए तो ये जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग 50,000 से अधिक का जुर्माना नहीं होगा, जुर्माना होगा लेकिन 50,000 से अधिक का नहीं होना चाहिए। अब क्या 74 ये वाला जो है 25,000 कब लिया जाएगा, मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा बता दूं। अगर मान लो 74 ख, ये देखिए ये जो हमारा जो अपराध दिया गया है क्वेश्चन में, ये जो है आपको 74 क में मिलेगा, इस प्रकार का अपराध। ठीक है, जो क्वेश्चन में है अपराध वो 74 क का है। अगर आप 74 ख में जाएंगे तो उसमें कहा गया है कि अगर मान लो किसी निर्माणाधीन सोसाइटी के लिए, जैसे कोई मान लो नया सोसाइटी बन रहा है, उस सोसाइटी के लिए तरह तरह से अंशदान का संग्रह होगा, पैसों का जमा किया जाएगा। ठीक है, अंशदान का संग्रह होगा और उस अंशदान को, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा थोड़ा टर्म, अंशदान का संग्रह किया जाएगा और इस अंशदान को संग्रह करने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा। अब मान लो यह व्यक्ति क्या कर रहा है, सभी लोगों से इस सोसाइटी को, नया सोसाइटी को निर्माण करने के लिए अंशदान ले रहा है और इस अंशदान को मान लो 14 दिन से भीतर में, ठीक है, 14 दिन के भीतर वो किसी जो जितना भी अंशदान इकट्ठा हुआ उन सभी को अगर 14 दिन के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित या फिर केंद्रीय सहकारी बैंक या फिर किसी नगरीय सहकारी बैंक में या फिर कह लीजिए डाकघर बचत बैंक में अगर वो जमा नहीं करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ
ये जुर्माना 25,000 रुपये तक का हो सकता है, लेकिन 25,000 से अधिक नहीं होगा। तो ये कहाँ है, ये 74 ख में वर्णन किया गया है, और ये जो जुर्माना 25,000 से अधिक वाला नहीं है, इसका वर्णन आपको 75 ख में मिलेगा, और ये वाला जो है जुर्माना, ये आपको 75 क में मिलेगा। तो जो अपराध 74 क से लेकर ठ में होगा, उसी के रेस्पेक्टिव जो अपराध के लिए जो दंड होगा, जो जुर्माना होगा, 75 क से 75 ठ तक में होगा। उम्मीद है आपको कैसे रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन है कि समापित सोसाइटियों के अधिशेष अस्थियों का व्ययन के बारे में विचार करें। व्ययन मतलब डिस्पोजल। मान लो कोई सोसाइटी है, वो समाप्त हो गया, ठीक है, लिक्विडेट हो गया, ख़त्म हो गया, मतलब वो एंड होने की पोजीशन में है, या फिर वो बंद हो गया सोसाइटी, तो उसका जो अधिशेष अस्थियाँ होगा, ठीक है, जो अधिशेष पैसे बचेंगे या फिर जो भी एसेट्स होंगे, अस्थियाँ होंगी, उसको क्या किया जाएगा, उसका व्ययन किस प्रकार किया जाएगा, तो बताना। यहाँ पे तीन दिया है, एक दो तीन। पहला है अधिशेष अस्थियों को उनके सदस्यों के मध्य विभाजित किया जाएगा। दूसरा, सोसाइटी के उपविधियों में वर्णित किसी उद्देश्य के लिए उपयोजित की जाएगी। तीसरा, यदि उपविधियों में कोई उद्देश्य वर्णित ना हो तो सोसाइटी के साधारण सम्मेलन द्वारा अवधारित किया जाएगा, जिसका अनुमोदन रजिस्ट्रार करेगा। अब ये तीनों में से कौन सा विकल्प जो है सही है। देखिए, पहली बात तो समापित सोसाइटियों के लिए अधिशेष अस्थियों का जो व्ययन है, इस संबंध से जो धारा संख्या मिलेगा वो आपको मिलेगा धारा 72, ठीक है। ये धारा 72 जो है, ये अध्याय 8 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, अध्याय 8 में। अब इसका जो देखते हैं कि सही आंसर क्या होगा। जब कभी भी कोई सोसाइटी समापित हो जाएगा तो उसका जो अधिशेष अस्थियाँ होगा, उस अधिशेष अस्थियों को उनके सदस्यों के मध्य विभाजित नहीं किया जाएगा। ये वाला जो कथन है वो क्या है, गलत है, विभाजित नहीं किया जाएगा। हालांकि मैं आगे बताऊंगा, एक ऐसा कंडीशन होगा जिसमें सदस्यों के मध्य थोड़ा बहुत किसी प्रकार से शेयरिंग हो सकता है, विभाजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं, ठीक है। अगर डायरेक्ट कुछ उसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है कि किस प्रकार होगा, तो डायरेक्ट अगर बोलेगा कि अधिशेष अस्थियों को उनके सदस्यों के मध्य विभाजित किया जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, पहली बात तो उनके सदस्यों के मध्य विभाजित नहीं होगा, लेकिन उन्हीं अधिशेष जो अस्थियाँ होंगी उसको सोसाइटी के, अगर मान लो जो सोसाइटी थी जिसका समापन हुआ, उसके जो रूल्स होंगे, जो लॉ होंगे, उनके अगर उपविधियों में कोई ऐसा उद्देश्य का वर्णन है कि भाई इस उद्देश्य के लिए वो अधिशेष अस्थियों को लगाया जा सकता है, ठीक है, तो उस उद्देश्य के लिए उपयोजित किया जा सकता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। अगर मान लो उन उपविधियों में किसी भी प्रकार का उद्देश्य का वर्णन नहीं है कि इस उद्देश्य के लिए अधिशेष अस्थियों को लगाया जाए, तो क्या किया जाएगा, सोसाइटी क्या करेगा, एक साधारण सम्मेलन बुलाएगा। साधारण सम्मेलन में ही ऐसा अवधारित किया जाएगा कि भाई इस उद्देश्य के लिए इन अधिशेष अस्थियों को लगाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो जो उद्देश्य का अवधारण होगा वो किसके अनुमोदन पर होगा, रजिस्ट्रार के अनुमोदन पर। रजिस्ट्रार ही डिसाइड करेगा कि किस उद्देश्य के लिए इन अधिशेष अस्थियों का व्ययन किया जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा कथन भी सही है। तो दूसरा और तीसरा कथन सही होने की वजह से हमारा विकल्प संख्या जो सी है, 2 और 3 सत्य है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। चौथा प्रश्न भी इसी से संबंधित है, तो उसको भी चलिए देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है कि समापित सोसाइटियों के अधिशेष अस्थियों का व्ययन निम्न में से किस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। देखिए, पीछे हमने देखा क्या कि पहली बात तो उनकी जो सदस्य होंगे उनमें डायरेक्टली बांटा नहीं जाएगा। अगर उस सोसाइटी के उपविधियों में कुछ उद्देश्यों का वर्णन है तो उन उद्देश्यों के लिए इन अधिशेष अस्थियों का व्ययन किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। अगर वो नहीं है, उद्देश्यों का वर्णन नहीं है, तो साधारण सम्मेलन के द्वारा क्या किया जा सकता है, एक उद्देश्य डिसाइड किया जा सकता है रजिस्ट्रार के अनुमोदन पर। अब इस क्वेश्चन के अंदर बता रहा है, इसमें से 4 यहाँ पे विकल्प दिया गया है। 4 में से किसी 3 विकल्प के जो ऐसे उद्देश्य हैं 3 विकल्प में, जिसमें इन अधिशेष अस्थियों को खर्च किया जा सकता है, उनका उपयोजित किया जा सकता है। एक ऐसा है जिस पर नहीं किया जा सकता, तो उसी विकल्प को पहचानना है। तो इसका वर्णन भी आपको धारा संख्या 72 के अंतर्गत ही
मिलेगा अध्याय 8 का धारा 72। देखिए, पहला, कोई लोकोपयोगी उद्देश्य या स्थानीय या नागरिक हित के उद्देश्य के लिए, ये कथन सही है। ठीक है, तो समाप्ति सोसाइटी की जो अधिशेष अस्थियां हैं उसमें अगर कोई ऐसा उद्देश्य है या फिर ऐसा उद्देश्य साधारण सम्मेलन से डिसाइड किया गया जो कि है लोकोपयोगी उद्देश्य या स्थानीय या नागरिक हित के उद्देश्य की बात है, तो यहाँ पे वहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए ये पहला विकल्प जो है सही है। दूसरा, छत्तीसगढ़ सहकारी संघ मर्यादित या कोई अन्य संस्था या संघ को समनुदेशित की जा सकेगी, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो पैसा है जो या फिर अधिशेष अस्थियाँ हैं उसको किसी छत्तीसगढ़ सहकारी संघ मर्यादित या फिर कोई अन्य संस्था या संघ है वहाँ पे समनुदेशित किया जा सकता है। ठीक है, समनुदेशित का मतलब असाइन किया जा सकता है, असाइन किया जा सकता है, उनको यहाँ पे दिया जा सकता है। ठीक है, भविष्य के लिए मतलब कह सकते हो वहाँ रक्षित किया जाता है यहाँ पे इस बैंक में। तीसरा, वैसे ही शर्तों सहित रजिस्ट्रीकृत कोई नवीन सोसाइटी में रजिस्ट्रार की सम्मति से उसे रक्षित निधि में निक्षिप्त किया जा सकेगा, ये कथन सही है। और जो चौथा विकल्प है, प्रधानमंत्री राहत कोष में निक्षिप्त किया जाएगा, ये गलत है, यही वाला जो है इस उद्देश्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। अब तीसरा जो विकल्प है उसका मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये दोनों तो आपको समझ में आ गया हो। तीसरा विकल्प है कि मान लो अभी हमारा कोई उद्देश्य डिसाइड नहीं है, तो जो अधिशेष आस्तियाँ हैं हम उनको क्या करेंगे, कोई केंद्रीय सहकारी बैंक है ना उसमें कुछ समय तक के लिए रख दिया जाता है। ठीक है, अगर मान लो रख दिया जाता है, उसी को निक्षिप्त कर दिया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो जो अधिशेष अस्थियां हैं उसको क्या किया जाता है, किसी केंद्रीय सहकारी बैंक में रख दिया जाता है जब तक कि कोई उसको प्रॉपर उद्देश्य नहीं मिल जाता है। लेकिन जब ऐसा लगता है कि जिस तरह की सोसाइटी का समापन हुआ उसी तरह के शर्त वाला कोई नया सोसाइटी बनकर तैयार हुआ या निर्माण हो रहा है या फिर निर्माण हुआ है, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा या फिर रजिस्ट्रार की समिति से जो ये अधिशेष अस्थियां हैं उसको वो नए सोसाइटी के अंतर्गत क्या किया गया, वहाँ पे रक्षित किया जाएगा, रक्षित निधि में या फिर जो फंड के रूप में वहाँ पे जमा कर दिया जाता है भविष्य के लिए। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न था। तो ये डी जो है ये हमारा राइट आंसर होगा, प्रधानमंत्री राहत कोष में निक्षिप्त किया जाएगा, ये गलत है, ऐसा कुछ भी वर्णन नहीं है। एक चीज़ और याद रखिएगा, और क्या किया जा सकता है कि हमने शुरू में इससे पहले क्वेश्चन में देखा था कि उसके सदस्यों को नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर रजिस्ट्रार चाहे, क्या बोल रहा हूँ कि अगर रजिस्ट्रार चाहे तो प्रत्येक विद्यमान सदस्य, ठीक है, प्रत्येक सदस्य जितने भी विद्यमान सदस्य हैं उनके सदस्यों को उसकी जो समादान अंश पूंजी, जितने भी सदस्य हैं उनके द्वारा जो अंश पूंजी जमा की गई थी, समादान अंश पूंजी थी, उसी के अनुपात में या तो संपूर्णतः अधिशेष आस्तियों को या फिर भागतः या फिर पार्शियली अधिशेष अस्थियों को समनुदेशित किया जा सकता है, असाइन किया जा सकता है, किसको, सदस्यों को। तो ये भी नोट करके लिख लीजिएगा, किसके, रजिस्ट्रार अगर चाहे तब। तो ये था चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न है कि शब्द सहकारी के प्रयोग का प्रतिषेध छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के किस धारा में वर्णन किया गया है, धारा 73, धारा 74, 75 या फिर 77, बताइए किसमें। क्या है कि देखिए, कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का सदस्य हो, ठीक है, और इस सोसाइटी के अधीन हो, कारोबार करता हो, तो ऐसा भी नहीं है कि वो क्या कर सकता है, ये जो सहकारी जो शब्द है वो उसका अपने कारोबार के लिए या फिर अपने व्यक्तिगत रूप से इस सहकारी शब्द का प्रयोग करेगा, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, कब तक, जब तक कि वह राज्य सरकार की उसको अनुमति प्राप्त ना हो, ठीक है, याद रखिएगा, जब तक राज्य सरकार उसको अनुमति नहीं देता हो तब तक कोई भी व्यक्ति या कोई भी सहकारी संस्था इस सहकारी शब्द या सहकारी से पर्यायवाची कोई भी शब्द, चाहे वो किसी भी भाषा का हो, का प्रयोग नहीं कर सकता राज्य सरकार के परमिशन के बिना। इसका वर्णन धारा संख्या 73 में किया गया है, याद रखिएगा। धारा 74 के बारे में पहले बता दिया था कि अपराध से संबंधित है, धारा 75 के बारे में बताया था क्या कि अपराधों के लिए शास्तियों पेनल्टीज की बात की गई है, ठीक है, अपराधों के लिए शास्तियां या पेनल्टीज। और धारा 77 याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण
कौन से अधिनियम से, ये धारा 77, ठीक है, धारा 77 में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का वर्णन है, जो कि हम आगे भी धारा 77, देखिए धारा 77 जो है उसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण को जोड़ दिया गया। हालांकि इस अधिनियम के भी बहुत सारे जो पार्ट थे इस धारा 77 में ही है, जो हम कि आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे। ठीक है, छठवां प्रश्न देख लेते हैं। छठवां प्रश्न है कि इस अधिनियम या उससे उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन पारित किए गए प्रत्येक मूल आदेश यदि रजिस्ट्रार या अपर रजिस्ट्रार के द्वारा पारित किया गया हो तो उसका अपील किसे किया जाएगा। क्वेश्चन क्या है इसको फिर से समझिएगा। मान लीजिए ये सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 है, ठीक है, इसके अधीन जित कुछ नियम भी बनाए जाएंगे, ठीक है, कुछ अधीन इसके अधीन कुछ नियम पारित किया जाएगा, किसके द्वारा, मान लो रजिस्ट्रार या फिर अपर रजिस्ट्रार के द्वारा कोई आदेश पारित किया गया या फिर आदेश लाया गया। तो अगर कोई आदेश लाया गया तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि ये सभी आदेश सबके लिए मान्य होगा, उसके खिलाफ कोई अपील भी करेगा। तो यदि रजिस्ट्रार या अपर रजिस्ट्रार कोई आदेश लाता है तो उसका अपील कहाँ किया जाएगा, संयुक्त रजिस्ट्रार के पास, राज्य सरकार के पास, सहकारिता मंत्री के पास या सहकारिता सचिव के पास, किसके पास उसका अपील किया जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर कोई रजिस्ट्रार या अपर रजिस्ट्रार का कोई मूल आदेश है तो उसका अपील किया जाएगा राज्य सरकार के पास। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। लेकिन मान लो ये संयुक्त रजिस्ट्रार के पास कब अपील करेंगे, उसके लिए एक चीज याद रखिएगा। मान लो अगर कोई रजिस्ट्रार है, ठीक है, रजिस्ट्रार हो गया, अपर रजिस्ट्रार हो गया या संयुक्त रजिस्ट्रार हो गया, इन सब से अलावा क्या क्या बोला, रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार और संयुक्त रजिस्ट्रार, इन सब के अलावा कोई अन्य अधिकारी किसी भी प्रकार का आदेश को पारित किया गया हो, ठीक है, याद रखिएगा, रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार के अलावा कोई और अधिकारी है, ठीक है, जो किसी आदेश को पारित किया है, तब उसके खिलाफ या फिर तब कह लीजिए कि वो उसके आदेश के खिलाफ जो अपील किया जाएगा किसके पास, संयुक्त रजिस्ट्रार के पास किया जाएगा। ये दोनों कंडीशन को आप याद रखिएगा। छठवां प्रश्न हो गया, सातवां प्रश्न देख लेते हैं। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विषय के संबंध में, देखिए अभी जो पीछे मैं अपील वाला भाग बताया, ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाते हैं हम क्वेश्चन में, इसमें क्या बताया था, इरेज हो गया था। देखिए यहां पर हमने बताया किसे अपील के बारे में किया गया, तो इसका वर्णन कहां है आप लिख लीजिएगा, जो इस अधिनियम का अध्याय 10 है, ठीक है, इस अधिनियम का जो अध्याय 10 है उसका धारा संख्या 77 में अपील का वर्णन किया गया है, ठीक है, कि संयुक्त रजिस्ट्रार के पास कब अपील करेंगे, राज्य सरकार के पास कब अपील करेंगे, दोनों कंडीशन, ये दोनों कंडीशन को मैंने बताया, तो कहाँ है, धारा संख्या 77 में, ठीक है। सातवां प्रश्न है, निम्न में से किस विषय के संबंध में न्यायालय की आधिकारिक अधिकार का वर्जन है। देखिए सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में कुछ ऐसे भी उद्देश्य या फिर कुछ ऐसे भी विषय दिए गए हैं जिसमें न्यायालय कुछ भी नहीं कर सकता, न्यायालय का उसमें अधिकार है ही नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी विषय हैं जिसपे न्यायालय जो है उसको अधिकार है निर्णय देने का, न्याय करने का, ठीक है। तो यहाँ पर उसी बात की किया गया है कि किस विषय के संबंध में न्यायालय के अधिकार का वर्जन है, मतलब कह लीजिए कि न्यायालय को, चाहे किसी भी तरह का न्यायालय हो, चाहे वो राजस्व न्यायालय हो या सिविल न्यायालय हो, उसको इन विषयों पर, अभी देखते हैं कौन कौन सा विषय है जिस पर उनको अधिकार नहीं है। देखिए पहला, किसी सोसाइटी का या उपविधियों का या किसी उपविधि के किसी संशोधन का रजिस्ट्रीकरण, किसी बोर्ड का हटाया जाना या इस प्रकार हटाए जाने के पश्चात सोसाइटी का प्रबंध, तीसरा, किसी सोसाइटी के परिसमापन तथा उसे विघटन से संबंधित कोई मामला या उपरोक्त सभी बताना, ठीक है, ध्यान से देना। तो देखिए ये ए बी सी तीनों ऐसा विकल्प है जिसपे न्यायालय को, किसी भी प्रकार का न्यायालय, चाहे वो राजस्व न्यायालय हो या फिर कह लीजिए सिविल न्यायालय हो, किसी को भी इन विषयों पर अधिकार नहीं है, वर्जन है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। ना तो सोसाइटी का या फिर उपविधियों का या उपविधियों के संशोधन के रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई मामला है तब भी
कि यह न्यायालय जो है उस पर कोई भी अपना न्याय नहीं दे सकता, ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगर किसी बोर्ड को हटाया गया या हटाए जाने का कारण किसी प्रकार हटाया गया, तब भी उसमें जो न्यायालय है कुछ भी कार्यवाही नहीं कर सकता, या फिर किसी भी सोसाइटी का परिसमापन किया गया हो, उसका विघटन किया गया हो, तब भी इससे संबंधित मामलों को न्यायालय नहीं देखेगा। इसीलिए उपरोक्त डी जो है सही होगा, इन तीनों पर उसको न्यायालय का वर्जन है, उसके अधिकार का वर्जन। एक और भी है, याद करके रखिएगा, कोई ऐसा विवाद जिसे रजिस्ट्रार को, ध्यान देखिए, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, एक और चौथा याद रखिएगा क्या, कि कोई ऐसा विवाद जिसे रजिस्ट्रार को या फिर उसके नाम निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को या फिर बोर्ड को निर्देशित किया गया हो, ठीक है, मतलब क्या, सिंपल शब्द में ये है कि कोई ऐसा विवाद हो जिसको रजिस्ट्रार को सौंपा गया हो हल करने के लिए, कोई ऐसा विवाद जिसे रजिस्ट्रार को दिया गया है या फिर रजिस्ट्रार जो है किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट कर दिया, तो ये जो हमारा जो मामला है वो किसके पास चला गया, इस व्यक्ति के पास चला गया, या फिर रजिस्ट्रार क्या किया है, इस मामला को देखने के लिए कोई बोर्ड का नियुक्त किया गया है, तब ये मामला किसके पास, बोर्ड के पास चला गया, तब इस कंडीशन में भी इस सब का जो विनिश्चय होगा, इस मामले का जो हल होगा, कौन करेगा, रजिस्ट्रार या फिर ये व्यक्ति या फिर ये बोर्ड, ये करेंगे, ना कि न्यायालय करेगा। तो ये चारों चीज़ों को याद रखिएगा ध्यान से, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बोलेंगे इसका वर्णन कहाँ है, तो धारा संख्या 82 में देखेंगे तो इसका वर्णन है, ये अध्याय 11 में मिलेगा, ठीक है, अध्याय 11 का धारा 82, न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन, इसका जो है नाम है, इसका विषय है धारा 82 का, ठीक है। आठवां प्रश्न, आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बात पर सिविल न्यायालय को शक्ति प्राप्त नहीं है। देखिए, इससे पहले क्वेश्चन में हमने देख रहा किस बात पर न्यायालय को अधिकार का वर्जन है, उसमें हमने देखा था, इसमें मैं क्या बात कर रहा हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी बात है जिस पर सिविल न्यायालय को शक्ति प्राप्त नहीं है। चार में से तीन ऐसी बात है जिस पर सिविल न्यायालय की शक्ति प्रदान है, उस पर वो अधिकार है, उस पर निर्णय लेने का, उस पर कार्य कराने का, परंतु एक ऐसा है जिस पर सिविल न्यायालय को शक्ति प्राप्त नहीं है। एक्चुअली इसका जो जो सिविल न्यायालयों की जो शक्तियाँ हैं, ठीक है, वो कहाँ वर्णन है मैं बता देता हूँ, ठीक है, सिविल न्यायालय की शक्तियाँ, इसका जो वर्णन मिलेगा धारा संख्या 89 मिलेगा, कहाँ, तो अध्याय 11 का, ठीक है, अध्याय 11 का धारा संख्या 89 में सिविल न्यायालय की शक्तियों का वर्णन किया गया है। देखिए, पहला, किसी व्यक्ति को समन करना और उसे हाजिर कराना तथा शपथ पत्र पर उसकी परीक्षा करना। दूसरा, किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण तथा उसे पेश किए जाने की अपेक्षा करना। सोसाइटियों की परिसमापन करना। साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोसाइटियों की परिसमापन करना, इस पर जो है सिविल न्यायालय को अधिकार नहीं है। सोसाइटियों के परिसमापन का कार्य पूर्णतः रजिस्ट्रार के ऊपर डिपेंड करता है, रजिस्ट्रार इसके लिए समापक का भी नियुक्ति करता है धारा 70 के अकॉर्डिंग, ये सब तो हम पहले के वीडियोस में देखें। तो सिविल न्यायालय के शक्तियों के में ये वाला जो पॉइंट है इसका वर्णन नहीं है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि सोसाइटियों के परिसमापन जो कराने का अधिकार सिविल न्यायालय के अंतर्गत, ऐसा नहीं कहा गया है, इसीलिए विकल्प सी जो है हमारा सही है, सोसाइटियों की परिसमापन करने का जो शक्ति है सिविल न्यायालय को नहीं है, ठीक है। एक और भी याद रख सकते हैं, जैसे शपथ पत्रों द्वारा तथ्यों का सबूत कराना, ठीक है, या फिर प्रूफ कराना, क्या है, याद रखिएगा, शपथ पत्रों द्वारा तथ्यों या फिर फैक्ट्स का सबूत कराना या फिर प्रूफ कराना, ठीक है, ये कार्य भी किसके अंतर्गत है, सिविल न्यायालय का कार्य है। ये तीन यहाँ पे तो था, चौथा आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा इसका धारा संख्या और अध्याय भी याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नौवां प्रश्न देख लेते हैं आज का। नौवां प्रश्न है कि कोई सोसाइटी के नाम में तब्दीली से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रभावित होगा, बताना है। मतलब क्या हुआ, जो कोई सोसाइटी है ना, तो अपना किसी भी सोसाइटी के जो उपविधियां हैं उन उपविधियों में संशोधन करके कोई सोसाइटी अपने नाम में भी तब्दीली या चेंजेस या परिवर्तन कर सकता है, ठीक है, लेकिन जब वो सोसाइटी अपने नाम में परिवर्तन करेगी तो किस पर प्रभाव पड़ेगा,
ठीक है, इस चारों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिस पर प्रभाव पड़ेगा अगर उस सोसाइटी के नाम में परिवर्तित किया जाएगा तो। पहला, सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्यों के अधिकार पर। दूसरा, सोसाइटी द्वारा विधिक कार्यवाहियों पर। तीसरा, सोसाइटियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाहियों पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना है कि किसके ऊपर जो है प्रभाव पड़ेगा, कौन सा विकल्प जो है सोसाइटी के नाम में परिवर्तन करने पर प्रभावित होगा, याद रखिएगा। तो पहली बात तो इसका वर्णन आपको मिलेगा धारा संख्या 13 में, ठीक है, जो अध्याय 2 है, ठीक है, अध्याय 2 का धारा संख्या 13 में वर्णन मिलेगा नाम में परिवर्तन, नाम में तब्दीली। देखिए, याद रखिएगा, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, अगर मान लो कोई सोसाइटी जो है अपने उपविधियों में संशोधन करके अपने नाम में परिवर्तित कर लेता है, तो परिवर्तित कर लेने से कोई सदस्य है अगर उस सोसाइटी का, या फिर भूतपूर्व सदस्य है, मृत सदस्य, उसके अधिकार में तो चेंज नहीं होगा, अधिकार तो उसका वही रहेगा, तो अधिकार में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि नाम में परिवर्तित कर देने से किसी सदस्य के अधिकार को थोड़ी परिवर्तित करेंगे, वो तो उनको अधिकार मिलेगा ही। दूसरा है सोसाइटी द्वारा विधिक कार्यवाहियाँ, अगर मान लो नाम में परिवर्तन हो गया और ये सोसाइटी कोई विधिक कार्यवाही किसी के विरुद्ध किया था या कोई विधिक कार्यवाही किया गया, तो अब ये तो नहीं होगा कि जो विधिक कार्यवाही सोसाइटी के द्वारा किया गया था वो भी परिवर्तित हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा कार्यवाही, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। तीसरा, सोसाइटी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही, अब ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि मान लो सोसाइटी के विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही चल रहा है तो सोसाइटी अपना नाम बदल लिया ताकि कार्यवाही समाप्त हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो मतलब कहने का कि नाम परिवर्तन होने पर, किसी सोसाइटी के नाम में तब्दीली होने पर, ना तो सदस्यों के अधिकार में कोई परिवर्तन होगा, प्रभाव होगा, ना ही सोसाइटी द्वारा कोई विधिक कार्यवाही पर भी प्रभावित होगा, और ना ही सोसाइटी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही जो चल रही है उसके ऊपर प्रभाव होगा, उपरोक्त में से किसी के ऊपर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, सब के सब सेम चल रहेगा, सदस्यों का अधिकार वही रहेगा, सोसाइटी जो विधिक कार्यवाही कर रही थी वो भी चलता रहेगा, या फिर सोसाइटी के विरुद्ध कोई कार्यवाही चल रही थी तब भी चलते रहेगा, नाम में परिवर्तन से किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं मिलेगा। धारा 13 और अध्याय 2। चलिए, 10वां प्रश्न आज का। तो आज का 10वां प्रश्न है, जब किसी सोसाइटी के सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता से संबंधित कोई अन्य प्रश्न उद्भूत होता हो या फिर हो, तो ऐसे प्रश्नों का विनिश्चय करने का अधिकार किसे प्राप्त है, राज्य सरकार, अपर रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार या फिर संयुक्त रजिस्ट्रार, किसे? क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, क्या होता है कि कई बार जब कोई नया सोसाइटी बनाया जाता है या फिर उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, रजिस्ट्रीकरण, तो या फिर उसके बने रहने के संबंध में या फिर किसी व्यक्ति के सोसाइटी के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के समय कई तरह के प्रश्न उठते हैं यहाँ पे। जैसे क्या कि जो वह व्यक्ति है जो सदस्य बनना चाहता है वो कृषक है कि नहीं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी विशेष क्षेत्र में निवास करता है या नहीं, या फिर ऐसा व्यक्ति जो किसी विशिष्ट वर्ग या उपजीविका से संबंधित है कि नहीं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो सदस्य बनने के लिए पात्र है या फिर नहीं है। तो ऐसे जितने भी प्रश्न उठते हैं, ठीक है, सदस्यता से संबंधित, तो उसका विनिश्चय, उसको हल, उसका सॉल्यूशन कौन करेगा, राज्य सरकार, अपर रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार, कौन करेगा? आंसर इसका होगा रजिस्ट्रार। इन तरह के सभी उद्भूत प्रश्नों का जो विनिश्चय कौन करेगा, रजिस्ट्रार के द्वारा किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका वर्णन आपको मिलेगा धारा 8 अध्याय 2 में, ठीक है, उसका नाम है रजिस्ट्रीकरण, ठीक है, रजिस्ट्रीकरण वाले जो अध्याय है उस पे धारा 2 में आपको मिलेगा। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के अंदर भी 10 इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखा, और ये 10 प्रश्नों के माध्यम से मैं आप सभी को तरह तरह के डाउट्स भी क्लियर कराते जा रहा हूँ। तो ये था हमारा 6वां वीडियो। तो 6 वीडियो में हमने 10 प्रश्न देखा, तो टोटल 60 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का हमने अभी तक अध्ययन जो यहाँ पे एनालिसिस कर लिया है, ठीक है। तो बस आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हमारा PDF, अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है CGPSC ABCD, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और एक चीज़, हाँ, सब लोग बार बार पूछते हैं कि सर इसका आंसर भी टिक करके दे दीजिए, आंसर टिक करके दीजिए। मैं PDF जो है बिना आंसर का प्रोवाइड करूँगा, आप थोड़ा सा मेहनत ये कर लेंगे कि वीडियो को देखेंगे और आंसर को एक बार ABCD करके टिक कर लेंगे, ताकि आप PDF से आसानी से कर सकें, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।